द गर्ल ऑन दी ट्रेन, जिसकी स्टोरी लाइन सेम नाम की नोवल द गर्ल ऑन दी ट्रेन से ही इंस्पायर है। तो मूवी को टेट टेलर ने डायरेक्ट किया है। तो चलिए बिना किसी देरी के मूवी की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। मूवी का मेन फोकस रेचल नाम की औरत पर किया जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में रेचल ट्रेन में हमें अपनी कहानी के बारे में बताती है। तो हमें पता चलता है कि रेचल अक्सर उस ट्रेन में जाया करती थी। तो रेचल ट्रेन के बाहर किसी औरत को देखती है, तो उसका नाम मेगन होता है। तो हमें पता चलता है कि रेचल अक्सर उस ट्रेन में उस औरत को देखती थी, क्योंकि मेगन अपने हस्बैंड स्कॉट के साथ काफी खुश थी। और वहीं पर दूसरी तरफ रेचल अपने एक्स हस्बैंड टॉम से किसी कारण से अलग हो चुकी है, जिसकी वजह से रेचल मेगन की तरह बनना चाहती थी। तो अब रेचल से अलग होने के बाद टॉम दूसरी शादी कर चुका है, तो उसकी दूसरी पत्नी का नाम एना होता है। तो टॉम और एना की एक बेटी भी होती है, जिसका नाम ईव होता है। तो हमें पता चलता है कि टॉम और एना की बेटी की देखभाल करने के लिए मेगन उस घर में नैनी की जॉब करती थी। तो मेगन वही लड़की होती है जिसे रेचल उस ट्रेन से देखती है। तो एक दिन मेगन उस जॉब को क्विट करते हुए एना से माफी मांगते हुए उसे कहती है कि उसे कहीं पर अच्छी जॉब का ऑफर आया, जिसकी वजह से उसे इस नौकरी को छोड़ना होगा। तो वो एना से माफी मांगते हुए उस घर को छोड़कर चली जाती है। इसके अलावा अगर हम रेचल की बात करें तो रेचल को ड्रिंकिंग की काफी प्रॉब्लम होती है। रेचल दिन भर शराब के नशे में डूबी रहती थी, जिसकी वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। तो उस समय ट्रेन में भी रेचल ने काफी शराब पी हुई थी। तो उस ट्रेन में बैठते समय कोई औरत रेचल के सामने बैठती है, तो उस औरत के साथ एक बच्चा भी होता है। तो रेचल उस बच्चे को देखकर काफी खुश हो जाती है और उस बच्चे को काफी प्यार से बुलाती है। मगर तभी वो औरत रेचल के पास पड़ी शराब की बोतल को देखती है, जिसकी वजह से वो औरत वहां से चली जाती है। तो यह देखकर रेचल को काफी दुख होता है। इसके अलावा अगर मेगन की बात की जाए तो वो अपने पति स्कॉट के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी और अपने पास्ट की वजह से काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहती थी, जिसकी वजह से वो अक्सर किसी साइकाइट्रिस्ट से मिलने जाती थी। तो एक दिन मेगन उस साइकाइट्रिस्ट से अपने पास्ट के बारे में डिस्कस कर रही थी। दरअसल मेगन अपने पास्ट में अपने भाई के बेस्ट फ्रेंड मैक के साथ रिलेशनशिप में थी, मगर किसी कारण से मैक उसे छोड़कर जा चुका था, जिसकी वजह से आज भी मेगन उस बात को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहती थी। तो अब हर बार की तरह रेचल उस ट्रेन से जा रही होती है, तो वो ट्रेन से एक बार फिर से मेगन के घर की तरफ देखती है, मगर इस बार वो मेगन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उस समय मेगन किसी और आदमी के साथ है। तो रेचल यह देखकर काफी डिस्टर्ब्ड हो जाती है, क्योंकि रेचल के पास्ट में उसके पति टॉम ने भी उसके साथ वैसा ही किया था जो अब मेगन अपने पति स्कॉट के साथ कर रही है, जिसकी वजह से रेचल उस ट्रेन से बाहर निकलती है। तो रेचल गुस्से में मेगन की तरफ बढ़ती है, मगर तभी हम मूवी में एक दूसरा सीन देखते हैं, जिसमें हम रेचल को खून से सना हुआ अपने कमरे में पाते हैं। तो जब रेचल को होश आता है तो वो अपने आप को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है। तो रेचल को उस रात का बिल्कुल भी याद नहीं होता, क्योंकि उस समय रेचल ने काफी ड्रिंक की हुई थी। इसके अलावा रेचल के घर की किराएदार कैथी भी रेचल के कमरे में जाने की कोशिश करती है, मगर रेचल किसी तरह से कैथी को वहां से भेज देती है। इसके अलावा अगले दिन भी रेचल उस ट्रेन में बैठी होती है, तो वो उस ट्रेन में किसी औरत को देखती है। तो दरअसल उसका नाम मार्था होता है। तो रेचल मार्था से पहले भी मिल चुकी थी। तो दरअसल पास्ट में रेचल ने शराब के नशे में मार्था के साथ काफी बदतमीजी की होती है, जिसकी वजह से रेचल उस दिन को लेकर आज भी काफी शर्मिंदा थी, जिसकी वजह से रेचल मार्था से नहीं मिलती और सीधा अपने घर की तरफ चली जाती है। तो घर पहुंचने के बाद रेचल को पता चलता है कि उस दिन के बाद मेगन कई दिनों से मिसिंग थी। तो अब डिटेक्टिव रायली नाम की औरत मेगन के केस के सिलसिले में रेचल से इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है, क्योंकि जिस रात मेगन मिसिंग थी उस रात मेगन के करीब रेचल ही मौजूद होती है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव को रेचल पर शक होता है। मगर रेचल को उस दिन के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से अभी के लिए डिटेक्टिव उसे छोड़ देती है। जिसके बाद हम रेचल को स्कॉट के घर की तरफ जाते हुए देखते हैं, तो वो स्कॉट के घर में जाकर उससे झूठ कहती है कि वो मेगन को पहले से ही जानती है, जिसकी वजह से स्कॉट रेचल को अंदर आने देता है। तो अब रेचल स्कॉट को उसकी पत्नी मेगन के अफेयर के बारे में बताती है। तो वो स्कॉट से कहती है कि उसने उसकी पत्नी को किसी दूसरे आदमी के साथ देखा है। तो स्कॉट यह सुनकर काफी दुखी हो जाता है।
तो वो गुस्से में रेचल से उस आदमी के बारे में पूछता है, मगर रेचल उसे कहती है कि उसने उस आदमी को ध्यान से नहीं देखा, मगर वो उस आदमी को पहचान सकती है। जिसके बाद स्कॉट मेगन के साइकाइट्रिस्ट की फोटो को रेचल को दिखाता है, तो रेचल भी उस आदमी को देखकर पहचान लेती है और स्कॉट से कहती है कि उसने इसी आदमी को मेगन के साथ देखा था। तो दरअसल उस दिन ट्रेन से रेचल ने मेगन को और किसी के साथ नहीं बल्कि उसी के साइकाइट्रिस्ट के साथ देखा था। स्कॉट को भी यकीन हो जाता है कि उसकी पत्नी का अफेयर उसके साइकाइट्रिस्ट के साथ है, जिसके बाद रेचल वहां से चली जाती है। तो अब रेचल उसी साइकाइट्रिस्ट के पास जाती है जिसका मेगन के साथ अफेयर था। तो उस साइकाइट्रिस्ट से मिलने के बाद रेचल अपनी प्रॉब्लम के बारे में उससे डिस्कशन कर रही होती है। तो इस दौरान हम व्यूअर्स को रेचल की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है। तो दरअसल रेचल को शुरू से ही शराब की काफी गंदी लत थी, जिसकी वजह से वो मेंटली काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहने लग चुकी थी और सभी से काफी ज्यादा अजीब तरीके से पेश आती थी, जिसकी वजह से एक दिन उसका पति टॉम उसे छोड़ देता है। इसके अलावा रेचल कभी माँ भी नहीं बन सकती थी, जिसकी वजह से उसे इस बात का भी अंदर से काफी दुख होता था। इसके अलावा एक दिन रेचल स्कॉट की बीवी एना से मिलने गई थी, तो इस दौरान वो उस एना की बेटी ईव को देखती है, जिसके बाद वो उसकी बेटी को अपनी गोद में उठाती है क्योंकि वो एक माँ की तरह महसूस करना चाहती थी। तो उसका इरादा उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था, तो वो उसकी बेटी को घर से बाहर लेकर चली जाती है। मगर तभी इतने में एना आ जाती है, तो उसे लगता था कि वो उसकी बेटी को नुकसान पहुंचाने वाली है, मगर रेचल उसकी बेटी को जमीन पर रखकर चली जाती है। तो उस दिन से लेकर एना और टॉम रेचल को उसके घर में घुसने नहीं देते थे। इसके अलावा पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को मेगन की डेड बॉडी मिलती है, जो कि एक ग्राउंड में दबी होती है। बाद हम स्कॉट को रेचल के घर की तरफ आते हुए देखते हैं, तो वो रेचल से काफी गुस्से में बात कर रहा होता है क्योंकि स्कॉट को अब पता चल चुका था कि रेचल ने उसे झूठ कहा था कि वो मेगन को पहले से ही जानती है। स्कॉट गुस्से में रेचल से चिल्लाते हुए कहता है कि उसने उसे झूठ क्यों कहा, मगर रेचल उसे कहती है कि उसकी पत्नी का सच में उस साइकाइट्रिस्ट के साथ अफेयर चल रहा है। मगर स्कॉट उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं मानता और गुस्से में वहां से चला जाता है, जिसके बाद रेचल उस डिटेक्टिव के पास जाती है और मेगन के केस के सिलसिले में बात कर रही होती है। मगर अब डिटेक्टिव भी रेचल की बातों को इग्नोर कर देती है क्योंकि उस समय रेचल ने काफी ड्रिंक की हुई थी। इसके अलावा डिटेक्टिव को रेचल के ऊपर शक होता है कि उसी ने मेगन का मर्डर किया है। तो अब रेचल को उस रात के बारे में बिल्कुल भी याद नहीं होता, जिसकी वजह से वो उस केस में फंसती जा रही थी। तो एक दिन रेचल किसी बार में किसी आदमी को देखती है, तो वो आदमी उस दिन भी रेचल का पीछा कर रहा होता है जिस दिन रेचल गुस्से में मेगन के पास गई थी। तो रेचल उस रात के बारे में उस आदमी से पूछने की कोशिश करती है, मगर उस आदमी को भी उस रात के बारे में कुछ भी पता नहीं था, जिसकी वजह से अब रेचल की सिचुएशन और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होने लग जाती है। तो अब अगले दिन हम रेचल को उसी ट्रेन में बैठते हुए देखते हैं, तो उस ट्रेन में उसकी एक बार फिर से मार्था से मुलाकात होती है, मगर इस बार रेचल मार्था से माफी मांगते हुए कहती है कि वो आज भी उस दिन के लिए शर्मिंदा है। मगर मार्था उसे कहती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि उस दिन उसकी कोई भी गलती नहीं थी। तो रेचल यह सुनकर काफी शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रेचल को लग रहा था कि उस दिन उसने शराब के नशे में मार्था से काफी बदतमीजी की थी। तो अब हमें मार्था से रेचल के एक्स हस्बैंड टॉम की रियलिटी का पता चलता है। तो दरअसल उस पार्टी में रेचल ने मार्था के साथ कोई बदतमीजी नहीं की थी, बल्कि वो टॉम ही होता है जो रेचल के साथ काफी बुरा बिहेव करता है और रेचल को ऐसा फील कराता है जैसे उसी की गलती हो, क्योंकि उस पार्टी में रेचल ने काफी ड्रिंक की हुई थी जिसकी वजह से रेचल को उस पार्टी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता। रेचल की ज्यादा ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम भी टॉम की वजह से ही आती थी क्योंकि वो घर पर रेचल को काफी ज्यादा मेंटली टॉर्चर करता था, क्योंकि उस समय टॉम का अफेयर एना के साथ था और वो रेचल को किसी से छोड़ना चाहता था। तो इस सब के बाद अब रेचल काफी ज्यादा परेशान रहने लग चुकी थी और उसे लगने लग चुका था कि यह सब कुछ उसी की गलती है। मगर अब मार्था से सच्चाई सुनने के बाद रेचल काफी शॉक्ड हो जाती है। तो मूवी के फ्लैशबैक में मेगन एक बार फिर से उस साइकाइट्रिस्ट के पास जा रही थी, तो वो उस साइकाइट्रिस्ट से अपने पास के बारे में डिस्कस कर रही होती है। तो दरअसल मेगन के पास में उसकी और मैक की एक बेटी थी जिसका नाम एलिजाबेथ था, मगर एक दिन मेगन की लापरवाही की वजह से एलिजाबेथ की मौत हो जाती है, जिसकी वजह से मैक उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला जाता है। तो उस दिन रेचल मेगन को उस साइकाइट्रिस्ट के साथ देख लेती है, जिसकी वजह से उसे लग रहा था कि मेगन का उस डॉक्टर के साथ अफेयर है, मगर रियलिटी में मेगन का अफेयर उस डॉक्टर के साथ नहीं बल्कि
उसके एक्स हस्बैंड टॉम के साथ होता है, क्योंकि मेगन कई दिनों से टॉम के घर पर नैनी की जॉब कर रही थी। तो इसी दौरान उसका टॉम के साथ अफेयर चल रहा था। तो अब एक रात मेगन टॉम को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बताती है, जिसकी वजह से टॉम उसे अबॉर्शन कराने के लिए कहता है। तो यह सुनने के बाद मेगन गुस्से में टॉम को काफी बुरा भला कहती है और उसे जोर से पुश करती है, जिसकी वजह से टॉम एकदम से बौखला जाता है और मेगन को जोर से धक्का देता है, जिसकी वजह से उसका सिर सीधा पत्थर से टकराता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टॉम मेगन के ऊपर लगातार पत्थर से हमला करता है, जिसकी वजह से मेगन की वहीं पर मौत हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उसकी बॉडी को उसी जगह पर दफना देता है। जिसके बाद सारा शक रेचल पर चला जाता है, क्योंकि उस रात रेचल भी मेगन का पीछा कर रही थी। अब रेचल को भी उस रात के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जिसके बाद रेचल सीधा एना के पास जाती है। तो वो एना को टॉम के बारे में सब कुछ बता देती है, मगर टॉम एना को कह रहा है कि रेचल झूठ बोल रही है। मगर एना को टॉम के पास मेगन का फोन मिलता है, जिसकी वजह से अब एना को भी यकीन हो जाता है कि मेगन का खून टॉम ने किया था। जिसके बाद अब टॉम अपना असली रूप दिखाते हुए एना की बेटी को मारने की धमकी देता है, जिसकी वजह से एना वहां से चली जाती है। तो अब टॉम रेचल को जान से मारने की कोशिश करता है, मगर रेचल किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए वहां से पार भागती है। तो टॉम उसका पीछा करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि रेचल किसी नुकीली चीज से टॉम के ऊपर वार करती है, जिसकी वजह से टॉम काफी जख्मी हो जाता है। जिसके बाद एना उस नुकीली चीज से टॉम के ऊपर वार करती है, जिसकी वजह से टॉम की वहीं पर मौत हो जाती है। तो पुलिस के सामने टॉम की सारी सच्चाई आने के बाद उन दोनों को कोई भी सजा नहीं होती, क्योंकि रेचल सेल्फ डिफेंस में टॉम की जान ली थी। जिसके बाद मूवी वहीं पर खत्म हो जाती है। तो या थी दोस्तों द गर्ल ऑन द ट्रेन मूवी की एक्सप्लेनेशन।